शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक ओर जहां छत्तीसगढ़ सरकार तमाम गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया है, विकासखंड धरमजगढ़ के सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों को बिना गाइडलाइन के पढ़ाया जा रहा है। हद तो तब हो जाती है जब कोई निजी स्कूल केवल रुपये कमाने के उद्देश्य से स्कूल चला रहा हो, वो भी ऐसे जर्जर भवन में जो कभी भी ढह सकती है। ऐसा ही एक मामला धरमजगढ़ तहसील के ग्राम किरिया से सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल में बच्चों को खतरा मोल लेकर पढ़ाया जा रहा है, वो भी महज अपनी कमाई के लिए। इस गांव के सरपंच की सहमति देना भी एक बड़ा सवाल है। ग्राम किरिया में SM ज्ञानोदय के नाम से एक स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसमें गांव के बच्चों को ठूस ठूस कर एक ही कक्षा में भरा गया, ऊपर से छत गिरने की अवस्था में है, जो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इस बारे में जब शिक्षिका से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल इसी सत्र से चालू किया गया है। मान्यता के संबंध में स्कूल के संचालक ही बता सकते हैं, जो पतलगांव में बैठकर इसका संचालन करते हैं। वहीं शिक्षिकाओं ने कहा, जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ना उनकी जान से खिलवाड़ करने के बराबर है, जिसके जिम्मेदार स्कूल के संचालक हैं। ये बताना लाजमी होगा कि संस्था के पास कोई भवन नहीं, इस कारण किरिया ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में इस निजी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। अनाप शनाप स्कूल फीस के नाम पर न तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, न ही किसी प्रकार की व्यवस्था देखी जा रही है। गुरुचरण सिंह राजपूत, धरमजगढ़, रायगढ़।